तेनालीराम और लालच। एक बार राजा ने तेनालीराम से प्रसन्न होकर उसे एक परात स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, किंतु यह शर्त लगा दी कि तेनालीराम स्वयं इस परात को लेकर बाहर जाएगा। पगोदा भरी परात बहुत भारी थी। दरबारी मन ही मन हंसे कि बेचारा तेनालीराम कैसे ये परात बाहर ले जाएगा। तेनालीराम परात के पास जाकर उसका निरीक्षण करने लगा। सहसा उसने अपनी पगड़ी खोलकर फर्श पर बिछा दी। 3/4 स्वर्ण मुद्राएं पगड़ी में रख बाकी अपनी चोगे की जेबों में भर ली। पगड़ी की गठरी बना पीठ पर लाद और थाली को सर पर रखकर वो बाहर की ओर चल दिया। राजा ये सब देखकर वाह वाह करने लगे। तेनालीराम ने पीछे मुड़कर देखा तो चोगे की जेब से स्वर्ण मुद्राएं निकलकर गिर पड़ी। तेनालीराम गठरी वही रख स्वर्ण मुद्राएं उठाने लगा तो पुरोहित बोला, कितना लालची है तेनालीराम, एक परात भर स्वर्ण मुद्राएं मिली, 2-4 गिर गई तो कितना परेशान हो रहा है। दरबारी भी मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता वो रही, कोई कहता ये रही। तेनालीराम भागा फिर रहा था, स्वर्ण मुद्राएं बार बार गिर रही थी। मंत्री ने राजा से कहा, इतना लालची आदमी मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा। सम्राट भी ये सब तमाशा देख रहे थे। जब सहन न हुआ तो तेनालीराम से कहा, अब बस करो तेनालीराम, तुम्हें परात भर स्वर्ण मुद्राएं क्या कम हैं जो 2-4 के लिए इतने व्याकुल हो। तेनालीराम बोला, ये बात नहीं है अन्नदाता, इन सभी मुद्राओं पर आपका नाम और चित्र बना है, इनकी बेइज्जती मुझसे नहीं देखी जाएगी, किसी पर पैर पड़ेंगे और कोई बुहारू में होगी। सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बोला, तेनालीराम को एक परात और स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, दोनों परातों को तेनालीराम के साथ कर दिया जाए। दरबार में तेनालीराम से ईर्ष्या रखने वाले और जल गए। देश के प्रति गद्दारी। बीजापुर के सुल्तान को पता चला कि उसका भेजा हुआ जासूस तेनालीराम की सूझबूझ के कारण पकड़ा गया है और सम्राट कृष्णदेव राय बीजापुर पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं, तो उसने इस खतरे को टालने के लिए राज ज्योतिषी को 1,00,000 रुपए देकर अपने साथ मिला लिया। राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यदि राजा ने तुंगभद्रा नदी 1 वर्ष के समाप्त होने से पहले पार की तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी को मानने से इनकार किया, लेकिन दरबारियों ने राजा को ऐसा न करने की सलाह दी। इधर रानियों ने भी राजा की मिन्नत की कि बीजापुर पर आक्रमण के लिए 1 वर्ष के लिए रुक जाए। तब राजा ने तेनालीराम को अपनी इच्छा और व्यवस्था बताई। साथ ही राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई इस ज्योतिष की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर दे, अगर कोई ऐसा कर दे तो मैं उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तेनालीराम ने यह काम स्वयं करने को कहा। साथ ही राजा से आज्ञा मांगी कि यदि ज्योतिषी को झूठा साबित करने पर अगर कोई उसे दंड देना पड़ा तो महाराज उसे क्षमा कर देंगे। राजा ने आज्ञा दे दी। तेनालीराम ने सेनापति से मिल योजना बनाई। वे दोनों राज ज्योतिषी के पास गए। वहां तेनालीराम ने उससे पूछा, ज्योतिषी क्या आपकी हर भविष्यवाणी सच होती है? हां बिल्कुल, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी आयु कितनी है? राज ज्योतिषी ने पत्रा देखकर बताया, इस समय मेरी आयु 44 वर्ष है, मैं 30 साल तक और जिंदा रहूंगा, 74 साल की आयु में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तेनालीराम ने सेनापति को इशारा किया। सेनापति ने तलवार निकालकर राज ज्योतिषी का सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में राज ज्योतिषी के घर की तलाशी ली गई तो शत्रु के कई पत्र मिले, जिससे साबित हो गया कि वो देश का गद्दार था। राजा ने तेनालीराम को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। पहलवान और तेनालीराम। विजयनगर में सिक्का नाम का विदेशी पहलवान आया हुआ था। उसने विजयनगर के पहलवानों को चुनौती दी, हिम्मत है तो सिक्का पहलवान से 2-2 हाथ करो, जीते तो सिक्का से उम्र भर की गुलामी कराओ, हारो तो सिक्का के गुलाम बन जाओ। सिक्का पहलवान का ढील ढोल और मजबूत पट्टे देखकर विजयनगर का कोई पहलवान आगे आने की हिम्मत नहीं करता था। यह बात सम्राट कृष्णदेव राय के कानों में पड़ी तो वो परेशान हो उठे। तुरंत सेनापति को बुलाकर कहा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा पहलवान नहीं जो सिक्का का घमंड तोड़ सके? क्या राज्य की व्यायामशालाओं पर हम लाखों रुपए बेकार खर्च कर रहे हैं? सेनापति क्या उत्तर देता? वो सिक्का पहलवान की शक्ति को देख चुका था। सिक्का पक्की से पक्की ईंट को दोनों हाथों से पकड़कर गाजर मूली की तरह तोड़ डालता था।
एक मुक्के से पत्थर को चूर चूर कर देता था। उसके कंधे की टक्कर खा मजबूत से मजबूत दीवार गिर जाती थी। सेनापति को चुप देखकर राजा और भी परेशान हो उठे। राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उन्होंने प्रमुख दरबारियों को बुलाकर मंत्रणा की। कोई परिणाम न निकलते देख राजा हताश होकर बोले, फिर क्या करें, क्या हम हार मान ले? सिक्का को दरबार में बुलाकर उसको सम्मान पूर्वक विदा करें? सारे दरबारी सिर झुकाए बैठे थे कि अचानक तेनालीराम बोला, ऐसा नहीं होगा अन्नदाता। राजा ने आशा भरी नजरों से तेनालीराम को देखकर पूछा, कौन लड़ेगा सिक्का से? मैं, तेनालीराम बोला। तो सारे दरबारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पुरोहित बोला, तुम लड़ोगे? तुम्हारी वो चटनी बना देगा। सम्राट भी कहने लगे, हां तेनालीराम, ये मजाक की बात नहीं। कहां वो, कहां तुम, डेढ़ पसली के बूढ़े आदमी, कुछ दूसरा उपाय सोचो ताकि इज्जत बच जाए। और कोई उपाय नहीं अन्नदाता, कम से कम दुनिया ये तो नहीं कहेगी कि सिक्का पहलवान की ललकार सुनकर विजयनगर के सारे पहलवान दड़बों में बंद हो गए। राजा ने कुछ सोचकर तेनालीराम को लड़ने की आज्ञा दे दी। सारे दरबारी मन ही मन प्रसन्न हो उठे कि अब तेनालीराम से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन सारे विजयनगर में समाचार फैल गया कि तेनालीराम सिक्का पहलवान से लड़ेगा। सुनकर सिक्का पहलवान खूब हंसा और उसने घोषणा की, उस मच्छर से लड़ने के लिए मुझे अखाड़ा नहीं चाहिए। मैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त उसे यहीं मसल दूंगा। तेनालीराम से सहानुभूति रखने वाले नागरिक इस कुश्ती को न लड़ने की सलाह देने तेनालीराम के घर गए, किंतु वो घर नहीं मिला। तीसरे चौथे दिन भी वो घर नहीं मिला। पांचवें दिन विजयनगर में अफवाह फैली कि तेनालीराम कृष्णा नदी के किनारे बने भैरव मंदिर में साधना कर रहा है। सिक्का ने सुना तो वो संधि में पड़ गया। वो जानता था कि भैरव अथाह शक्ति का देवता है। वेश बदलकर वो तेनालीराम की साधना देखने मंदिर गया तो ये देखकर चकित रह गया कि साक्षात भैरव तेनालीराम को गोद में उठाए कोई जड़ी खिला रहे थे और कह रहे थे, इसे खा जा बेटे, इसे खाते ही तेरे शरीर में ऐसी विद्युत शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि जो तुझे छुएगा झटका खाकर 100 गज दूर जा गिरेगा। सिक्का पहलवान ये सब देखकर डर के मारे विजयनगर छोड़कर अपने देश भाग गया। निश्चित समय पर सिक्का पहलवान तेनालीराम से लड़ने नहीं आया। बुलाने गए सैनिकों ने समाचार दिया तो सम्राट हैरत से तेनालीराम की ओर देखने लगे। तेनालीराम ने सारी बात बताकर कहा, अपने से अधिक शक्तिशाली को पछाड़ने के लिए शक्ति की नहीं अन्नदाता अक्ल की जरूरत होती है। उस दिन तेनालीराम ने सम्राट कृष्णदेव राय के साथ बैठकर भोजन किया। लालची ब्राह्मण। विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे राजा की उदारता का अनुचित लाभ उठाकर हमेशा किसी न किसी बहाने से राजा से धन ऐंठा करते थे। एक दिन राजा ने उनसे पूछा, मरते समय मेरी मां ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी जो उस समय पूरी न हो सकी, क्या अब कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले? महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम भेंट करें तो आपकी मां की आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी। ब्राह्मणों को दिया दान मृत आत्मा तक अपने आप पहुंच जाता है। सभी ने एक स्वर में कहा तो राजा ने सोने के 108 आम दान कर दिए। उन आमों को पाकर ब्राह्मणों की तो मौज हो गई, लेकिन तेनालीराम को ब्राह्मणों के इस लालच पर क्रोध आया। वो उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगा। जब तेनालीराम की मां की मृत्यु हुई तो उसने भी एक महीने बाद ब्राह्मणों को अपने यहां बुलाया। वो अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता था। खाने पीने और बढ़िया माल की चाह में 108 ब्राह्मण वहां पहुंच गए। जब सब अपने आसनों पर बैठ गए तो तेनालीराम ने दरवाजे बंद कर अपने नौकरों से कहा, जाओ लोहे की गर्म सलाखें लेकर आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। नौकरों ने ब्राह्मणों को पकड़ जबरदस्ती सबके लोहे की सलाखें दाग दी। राजा को पता चला तो राजा आयोग क्रोध में बोले, ये क्या हरकत है तेनालीराम? तेनालीराम ने भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, मेरी मां जोड़ों के दर्द से परेशान थी। मरते समय उनकी इच्छा थी कि उनका शरीर गर्म लोहे की सलाखों से दागे जाए। उस समय उनकी इच्छा पूरी न हो सकी।
सो ब्राह्मणों के शरीर दगवाने से स्वर्ग में मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल सकेगी। राजा ये सब सुनकर हंस पड़े, ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए। विश्वास। राजा कृष्णदेव राय का कहना था कि लोगों को आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, जबकि तेनालीराम का कहना था कि लोग किसी भी बात पर जल्द विश्वास कर लेते हैं, हां उन्हें विश्वास दिलाने वाला होना चाहिए। तेनालीराम का यह भी कहना था कि वो किसी से जो भी चाहे काम करवा सकता है, जबकि राजा इसे असंभव मानते थे। उसने कहा, महाराज मैं चाहूं तो किसी व्यक्ति से आप पर जूता फेंकवा सकता हूं। महाराज ने तेनालीराम की चुनौती को स्वीकार कर लिया तो तेनालीराम ने कुछ समय मांगा। राजा ने भी स्वीकार कर लिया। एक माह बाद राजा ने कुर्क प्रदेश के एक पहाड़ी सरदार की सुंदर बेटी से विवाह तय किया। पहाड़ी सरदार को विजयनगर के राजाओं के रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था। उसने राजा से पूछा तो राजा ने कहा, मुझे केवल तुम्हारी बेटी से विवाह चाहिए। रीति रिवाज तो हर प्रदेश के अलग अलग होते हैं, उसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सरदार संतुष्ट हो गया। तेनालीराम को पता चला तो वो वहां विवाह की रस्में बताने पहुंच गया। उसने कहा, राजा कृष्णदेव राय के वंश में एक पुराना रिवाज है कि विवाह की सभी रस्में पूरी होने पर दुल्हन दूल्हे की एक जूती उठाकर राजा पर फेंकती है। सब रस्मों के साथ इस रस्म को भी पूरा किया जाए। पहाड़ी राजा ने कुछ संकोच के बाद ये सब मान लिया। जब राजा का विवाह पहाड़ी राजा की बेटी से संपन्न हो चुका तो दुल्हन ने मखमल की जूती उठाकर राजा पर फेंकी। तेनालीराम राजा के पास गया और कान में बोला, महाराज इन्हें क्षमा कर देना, ये सब मेरा किया धरा है। राजा हंस पड़े और जूती उठाकर दुल्हन के हाथ में दे दी। उसने क्षमा याचना की, क्षमा करना महाराज, रस्म पूरी करने के लिए ये सब किया है। राजा तेनालीराम से बोले, तेनालीराम तुम्हारा कहना ठीक हो गया, लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं।